मानगो से डिमना चौक तक बीच में जो डिवाइडर है उसको साफ किया जा रहा है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है और कई जगह पर उसको ब्लॉक करके बंद करके एक सीधा सीधा उसको फॉरवर्ड खींचा जा रहा है, यानी एक बना दिया जा रहा है, बीच के जो कट्स हैं उनको बंद किए जा रहा है। इसी की आपत्ति जताते हुए कुछ लोग डिमना देशबंधु लेन से पहुंचे और उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करी डीसी मुख्यालय में। उन्होंने कहा कि अगर कोई बीमार होता है और जैसे कि डिवाइडर ये कट कर दिया है तो पूरा कम से कम एक आध दो किलोमीटर आगे जाके और वहाँ से घूमना पड़ेगा, तब तक तो पेशेंट की मौत हो जाएगी। मेरा नाम सिद्धेश्वरी देव हुआ, ठीक है, मैं मानगो जिले और देशबंधु लाइन के रहने वाली हूँ। और हम लोग का जो डिवाइडर को वहाँ से ब्लॉक कर दिया गया है, मान लीजिए जैसे कोई इमरजेंसी हुआ, कोई बीमारी पड़ गया, तो उतना दूर तक तो घुमाते घुमाते पेशेंट आधा रास्ता में ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। किसी मतलब बच्चा को स्कूल आपका उतना दूर है तो उतना दूर से बच्चा टर्निंग करके जाएगा, ब्लू बेल्स स्कूल ही देख रहे हैं, उसके बाद आपका साउथ पॉइंट स्कूल हो गया, बस गाड़ी आता है, हम लोग को पार करने में उतना दूर का प्रॉब्लम तो हम लोग इतना नहीं सहेंगे ना, हम लोग सह लेंगे, बच्चा लोग। सबसे प्रॉब्लम है मेडिकल का प्रॉब्लम, कोई भी बड़ा मतलब बुजुर्ग हो गया, घर के पास से ऑटो घुमाएंगे बैठाएंगे, अब उतना दूर से उसको घुमाते घुमाते तो ले जा नहीं सकते हैं। यही प्रॉब्लम हम लोग मतलब सॉल्व करने के लिए मैडम को बोल रहे हैं, अब देखिए कब तक हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। कितने लोग होंगे वहाँ परेशान? वो तो भैया आपको बताएं। क्या नाम हुआ आपका? सिद्धेश्वरी देवी का। क्या समस्या? समस्या तो वही बताएं कि डिमना रोड का डिवाइडर जो अभी जो जिसको द्वारा जो अभी घेरा जा रहा है उसको देखते हुए हम लोग का समस्या यही है कि हम लोग को बहुत दूर लंबी दूरी तय करना पड़ेगा, जिसको हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग कम दूरी पर हम लोग का डिवाइडर दिया जाए ताकि दोनों तरफ का लोग 20-30 हज़ार इधर होगा। किससे मिलने के लिए? डीसी ऑफिस, डीसी महोदया से।